नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में अनियमितता और मनमानी की शिकायत पर कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फूलपुर, जियनपुर और बुढ़नपुर तहसील के 3 कोटेदारों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद हुई जांच के बाद तीनों कोटे की दुकानें निलंबित कर दी गई हैं। वहीं 2 कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि फूलपुर तहसील के खड़ावा गांव में कोटेदार गीता सिंह, पूरी तहसील के अशरफपुर गांव के कोटेदार राजदेव और बुढ़नपुर तहसील के सुखीपुर गाँव के कोटेदार निर्मला पांडे के खिलाफ शिकायत मिली थी। जाँच के बाद मामला सही पाए जाने पर तीनों कोटे की दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सुखीपुर और अशरफपुर गांव के कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे 3 लोगों की दुकानें निलंबित की गई हैं और 2 के विरुद्ध उसमें से FIR भी दर्ज की गई है। फूलपुर के हड़वा की जो दुकान है उसको निलंबित की गई है और अतरौलिया के सुखीपुर की एक दुकान है जिसके खिलाफ FIR की गई है और इसी तरह से सगड़ी में एक दुकान है राजदेव राम की, उसके खिलाफ भी FIR की गई है। उसमें से एक दुकान जिसके खिलाफ FIR की गई है वो एक महिला के नाम से है, तो मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया है कि सामान्य रूप से जो दुकान या अन्य दायित्व ग्राम स्तर पर बहुत सारे महिला के नाम पर दुकान लेकर और कोई न कोई घर का पुरुष ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होता है, इसलिए FIR के बाद गिरफ्तारी जांच करके उस व्यक्ति की हो जो मुख्य रूप से केंद्रीय भूमिका में रहा है अनियमितता की, ये भी निर्देश दिया गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।